भाई बहुत दुखी करा इस टायर के लिए, बहुत मुश्किल से मिला ये टायर भी, कोई नहीं रहा था, बोले इतने बड़े टायर वाले चाइनीज डलवा लो, जो भी देख रहा था वही कह रहा था चाइनीज डलवा लो। प्लस भाई ने ना जेड कराई हुई, तो भाई इससे ना जो लुक आती है ना कार की, भाई ये देखो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला भाई, ये जो भाई शौक जो भाई शौकीन है ना बंदा, वो पहचान गया कि इनकी वोकल वगैरह आवाज वगैरह क्या रहने वाली है। 3.5 प्लस है, 3.5 लाख प्लस रहने वाला है ना। ये अपना कीकर है भाई, कौन सा L7 है भाई, कीकर L7 सीरीज। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है अपने चैनल पे भाई, पहली बार फुल मॉडिफाइड XUV 700 रहने वाली है। तो पहले तो भाई लुक देखो कार की, क्या अल्टीमेट आ रही है। तो आज की वीडियो हमारे साथ है राहुल भाई, तो कैसे हो भाई? तो और कैसे हो भाई? तो भाई गाड़ी तो यार बिल्कुल बहुत तगड़ी बना रखी है ना, XUV 700 मतलब बंदे इसको लेते हैं कम्फर्ट के लिए, फैमिली के लिए, है ना। तो भाई आपने मतलब क्या सोच के कैसे ली है ये बताओ सबसे पहले। तो स्कॉर्पियो के बाद ऑप्शन ये था मेरे पास, तो अच्छा स्कॉर्पियो मेरे पे इससे पहले, हाँ उसके बाद यही ऑप्शन था जो अच्छी थी गाड़ी, इसमें मॉडिफिकेशन सही हो सकती है। हाँ, और मतलब है तो बहुत ज्यादा के पास पर मॉडिफाइड बहुत कम है। हाँ मॉडिफाइड बहुत कम है, बहुत कम है। तो मतलब कि सोचा भाई ने कि थोड़ी सी लग्जरी टाइप में भी हो जाए और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह भी हम कर ले, है ना। तो ये था भाई का मोटिव इसका। एक बार भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ सामने की तरफ ना। तो सबसे पहले ये बताओ मॉडल वगैरह कौन सा अपनी कार का? मॉडल है भाई 2022। तो भाई 2022 मॉडल है ये, और वेरिएंट वगैरह MX मॉडल है भाई, बेस मॉडल है एक तरीके से, मतलब पूरा बेस जो होता है। तो भाई क्या आइडिया था मतलब कि भाई ये लेनी चाहिए, बंदे मिड वगैरह लेते क्योंकि इसकी स्क्रीन वगैरह और सनरूफ के चक्कर में? मुझे क्या है अपने आप रेडी करने का शौक है। अच्छा, मॉडल को टॉप मॉडल बनाने का शौक है। हाँ, और थोड़ी अलग मॉडिफिकेशन का, है ना। अभी तो बहुत अपडेट है इसमें, वो आगे भी। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसा अभी बता रहे भाई अभी अपडेट है, अभी पूछते रहेंगे धीरे धीरे कि क्या क्या अपग्रेड होने वाला है पूरी कार में। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट से, फ्रंट में क्या क्या चीज इसमें चेंज है भाई, सबसे पहले तो ये बताओ बेसिकली। तो ये भाई अभी ये अपने फ्लैशर्स लगाए हुए हैं भाई ने, रेड ब्लू फ्लैशर। तो ये आपको पता है कितने क्या आते हैं LED लाइट वगैरह, ये कितने वोट है? 160 वोट है एक। अच्छा 160। तो नीचे फोगलैम वगैरह लगवाई क्या? अभी अपग्रेड मैंने मॉडिफिकेशन वाले करवा रखे, दो आ रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा, बनवाए हैं स्पेशल इसके। अच्छा, इसके लिए बनवाए हैं। तो भाई ये कुछ रहने वाला है, और प्लस भाई ने ना जेड कराई हुई है, तो भाई इससे ना जो लुक आती है ना कार की भाई, एक नंबर आती है ना। रिकमेंडेड भाई कुछ नहीं है कि भाई कहीं भाई के देखा देखी मैं वैसे करा लो, बस ये शौक के लिए। और लुक अच्छी आती है देखो कार की ना भाई, देख सकते हो आप, और वीडियो वगैरह में भी अच्छी आती है। तो अब बात करते हैं मेन चीज, अलॉय व्हील्स, तो जो कि है 275/45R20 20 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। योकोहामा का अपना टायर है, क्रोम अपने अलॉय व्हील रहने वाले हैं। तो भाई मतलब जब डलवाने गए थे मतलब कितना इन सोचा था, 18 कितना क्या?
पहले भाई मैंने इसमें जो कंपनी के अलॉय थे वो 18 इंच करवाए थे। हाँ। तो लगवाए थे इसमें आते नहीं अलॉय। हाँ, इसमें अलॉय नहीं आते, व्हील कवर आते शायद। एक बार 18 डलवा के देखा था वैसे वाला, वो मजा नहीं आया उसमें। हाँ। फिर मैंने 20 करवाया, 20 से ऊपर आ नहीं रहा इसमें भी। अच्छा, 20 से ऊपर आ नहीं रहा। आ नहीं रहा, फिर टायर की प्रोफाइल कम आ रही है। अच्छा, फिर अब मजा नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्लान कौन सा है अपना डलवाने? 22 है भाई फिलहाल तो, 22 या 24। 22 या 24 का आना। तो भाई ये देख लो, ये अपने क्रोम रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया लुक आ रही है जो कार की ना, ये देख सकते हो भाई, पूरी खिल के आ रही है। तो भाई कितने के क्या पड़े आपको ये? भाई ये मुझे पड़ गया अराउंड 170 के आसपास। 1 लाख एक लाख के टायर पड़े थे। हाँ हाँ, पूरे 1 लाख के टायर थे और अलॉय पड़े थे 70,000। 70,000 रुपए के बीच में अलॉय पड़े। अब बंदे बोलेंगे कि भाई चाइनीज लगवा लेते, ये लगवा लेते। इससे पहले चाइनीज लगवा के हटवाए हैं मैंने। अच्छा, कुछ दिन पहले चेंज करवाया मैंने दोबारा से। अच्छा, मतलब जो अलॉय के साथ आए थे वो दूसरे थे टायर? वो दूसरे, तीसरी बार चेंज हो चुके इसके। जो टायर के जो ये एरिया था ना, फूलना स्टार्ट हो गया था चाइनीज में। अच्छा, मजा नहीं आ रहा था, आवाज कर रहा था चाइनीज में। अरे वाह भाई, चलाने में कंफर्ट है। तो अभी उसके बाद आपने सोचा कि चलो ब्रांड पे जाते हैं, फिर यो काम पे गए भाई। बहुत दुखी करा इस टायर के लिए, बहुत मुश्किल से मिला ये टायर भी। बहुत नहीं रहा था, बोले इतने बड़े टायर वाले चाइनीज है, जो भी देख रहा था वो कह रहा था चाइनीज डलवा लो, क्योंकि इससे ऊपर भाई चाइनीज ही आते हैं। चलते भाई हैवी ऑप्शन पर, ये है इसमें कंफर्ट है, इसमें कंफर्ट है। बड़े जब जैसे लंबा टूर करता है भाई, ज्यादा इसको सारे जा भाई, तो इसलिए फिर 20 इंची बार बार टायर वगैरह फट जाए, दिक्कत हो जाए। इन टायर में कम से कम रिस्क तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल भाई, ये तो मतलब एक विश्वास है ना। विश्वास है भाई, टायर में बहुत फर्क भी बहुत है। पहले गाड़ी के अंदर आवाज थी चाइनीज टायर में, इसके अंदर कोई आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं, मतलब रोड नॉइज वगैरह सब खत्म। मतलब क्या कहना चाहते हो कि चाइनीज टायर लेने चाहिए या कंपनी भाई जिसके पास नहीं है पैसा, बाकी शौक के लिए भाई लेने वीडियो वगैरह के इनके लिए लेते दुनिया वगैरह। हाँ। पैसे कंफर्ट नहीं होता बिल्कुल भी। बिल्कुल, तो भाई ये कुछ ऐसा टायर तो कंपनी का ही होता। बिल्कुल भाई, ये तो है, कंपनी तो कंपनी है, देखो जो ब्रांड है वो ब्रांड ही रहता है ना। तो ये कुछ है, अगर जब गए थे तो कट्टी वट्टी भी थी भाई कहीं से कैसे? कट्टी हाँ, थोड़ी सी यहाँ से कट रखी भाई, अंदर से कटिंग करवाई थी दोनों साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कुछ भाई ऐसा कुछ रहने वाला है। एवरेज की बात करो तो कितनी क्या एवरेज दे रही है भाई ये? पेट्रोल की है। क्या एवरेज दे रही होगी? दे रही है 7 की, 7-8। अरे वाह, तो भाई 7-8 की एवरेज दे रही है ना। डलने के बाद 6-7, 7-8 के आसपास दे रही है, पहले 10-11 की देती थी भाई। वही है कि शौक है यार, बहुत बड़ी चीज है ना, चाहे एवरेज हो कुछ भी हो ना, एवरेज वगैरह नहीं देखी जाती शौक के आगे ना। तो पेट्रोल की भी क्यों लेते भाई? ये भी है, तो मतलब पेट्रोल बंदे फिर डीजल, आप डीजल पे क्यों नहीं गए भाई? ऑप्शन था नहीं, पहली बात तो उस टाइम मिली नहीं थी भाई। अच्छा। पेट्रोल की अवेलेबल थी एक बस यही गाड़ी। अच्छा, तो आपने सोचा तो पहले दो में शुरू शुरू में आई थी तभी ली थी, मेरे ख्याल से 2-3 महीने बाद ले ली। अच्छा अच्छा, तो बुकिंग वगैरह पहले करवा रखी थी कैसे? जान पहचान में जल्दी मिल गई थी, फरीदाबाद से मिली थी कहीं से जुगाड़ करके। अच्छा, फरीदाबाद में, तो नंबर इसका दिल्ली का फरीदाबाद का? दिल्ली नंबर है इसका। तो परचेजिंग है नंबर की कैसे? परचेजिंग ले रखे। तो भाई अभी पीछे दिखाएंगे नंबर, तो भाई ये कुछ रहने वाला। और साइड दिखाऊं तो भाई ये क्रोम वाइजर वाइजर ये सब लगे हुए हैं पीछे की तरफ। आते जैसे नंबर की बात ही कर रहे हैं, तो भाई ये है अपना बॉश, यानी कि 80-55। तो भाई मतलब क्या रीजन था इसको लेने के लिए? बंदे आजकल डबल डबल वाला लेते हैं कि 11, 22, 00, 11। अच्छा, पहले भी बॉस ही ले रखा था, इससे पहले भी बॉस, स्कॉर्पियो भी बॉस है मेरे। अच्छा, स्कॉर्पियो भी बॉस है। तो भाई कितने के क्या पड़ा था ये? ये भाई अराउंड पड़ा है, बोली रखती है इसकी जैसे 30-35 से स्टार्ट होती है। जो बढ़ जाए कितने भी चली जाए, 40 पे चली जाए, 50 पे चली जाए, लाख भी हो जाए, कुछ नहीं पता। बिल्कुल, तो आपका आपको कितने मिला था ये? मुझे 40-45 मिल गया था। 40-45 में मिल गया था ना। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है, पीछे रिफ्लेक्टर भी आप लगा सकते हो। तो ये कुछ ऐसी है पीछे से। तो बात करें तो भाई डिग्गी में अपना क्या बूफर वगैरह कितने क्या रहने वाले हैं? तो भाई आपको खोल के दिखाते हैं, अनलॉक कर देना भाई। तो भाई अपडेट है इसमें सिस्टम में भी कुछ दिनों में। अच्छा अच्छा, आया नहीं इसका स्टीरियो। तो भाई ये देखो, ये कुछ इस तरीके से रहने वाला भाई। ये जो भाई शौकीन है ना बंदा, वो पहचान गया होगा कि इनकी वोकल वगैरह आवाज वगैरह क्या रहने वाली है इस टाइम से रखे हुए हमारी भाई। ये ना अफीम चीज, अगर आप इस बार अभी आप कह दोगे ना कि भाई मैं सेल कर रहा हूँ, तो दुनिया पागल हो जाएगी। जो शौकीन होंगे है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। जिनको नहीं पता देगा वो तो कहेंगे अबे भाई क्या है ये, क्या है मिड वगैरह ये। भाई जो इनकी जो साउंड है ना, सीरीज आ गई है, पर इसके इसकी टक्कर नहीं है भाई, इसकी टक्कर नहीं है। ये देख लो, तो ये भाई आपके पास पहले से है कैसे? पहले से है भाई, बहुत पहले था मेरे पास। तो उस टाइम पे कितने क्या पड़े थे आपको ये? अब तो इतना याद नहीं, पर पता नहीं होंगे तो अराउंड तो याद भी नहीं, अब तो बहुत साल हो गए भाई इसको, 5-6 साल हो गए, 7-8 साल हो चुके, 7-8 साल। तो भाई जब मैं छोटा था मतलब यही होगा कोई 5th-6th क्लास में, ली थी भाई 2009 में। हाँ हाँ, जब उसमें लगवाए थे
अच्छा दो दूसरी में लगवाए थे, दो उसमें लगवाए थे जब के रखे भाई, दो हजार नौ से। तो भाई ये ना मैंने पहली बार जब देखे थे जब मैं फिफ्थ सिक्स क्लास में था, तो हमारे गांव में एक बंदे ने भाई अपनी अल्टो में लगवा रखे थे, तो इनको जब उस टाइम बोलते थे अंडा स्पीकर, अंडे वाले तो अब भी इनको यही बोलते हैं ना अंडा स्पीकर। तो भाई ये कुछ ऐसे रहने वाला है, ये अपना कीकर है भाई, कौन सा कीकर एल सेवन की। तो भाई ये कैसे इतना भाई पता नहीं बाहर रखी थी कुछ दिन, निकाल रखी थी सामान, पता नहीं उसने चूहे ने क्या कर दिया, कुछ कर दिया। अच्छा ये तो भाई ये एल सेवन कितने का पड़ा आपको? ये भाई को अराउंड पड़ा 22,000 रुपए का। 22,000 सेकंड हैंड है ना, नया तो महंगा है, कुछ ही दिन चला हुआ था। हाँ देख कंडीशन आपको भाई दिख रही होगी। तो ये कितने आर एम एस वाला है? अच्छा 1500 मतलब आइडिया जो बता रहे इतना भाई, जैसे भाई ने सीधा मुझे भी नहीं पता भाई, सही बताऊं पर ये हैवी क्या रखा था। हां हैवी था ये। तो भाई पूरी गाड़ी हिलाए तो गए? हां गाड़ी हिला दी। तो भाई एक बार स्टीरियो चेंज होना है इसका, मंगा रखा है वैसे तो मैंने। अच्छा अच्छा तो पीछे का भाई कुछ इस तरीके सेटअप रहने वाला है। एम वगैरह कितने भाई इसमें? एम 3 है भाई, 3 एम्प है। एक मोनो के लिए तो अलग ही लगा हुआ है, छोटा ये रहा भाई के लिए लगा हुआ है। तो इन चारों के लिए कौन सा है भाई? JBL का है ना। तो ये हो गया, इसके लिए मोनो हो गया, आगे डोर वगैरह देखते हैं, एक बार अंदर आ जाओ भाई। तो भाई धूप यार बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो जाके ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे जो भी नया भाई सब्सक्राइब कर दो। आगे ये भाई मोको की मिड है क्या? ये मोको की मिड है भाई। तो भाई ये मोको की मिड रहने वाली है, डोर्स में जेल ऑडियो अपने डोर में रहने वाली है, जेल ऑडियो के कॉम्पोनेंट आगे पीछे है ना। तो अगर बात कर दो 4, 5, 6, 7, 8 अपने स्पीकर वगैरह रहने वाले हैं, और ये मिड हो गई 8, 9, 10 अपने मतलब स्पीकर मान लो एक तरीके से, और एक बूफर रहने वाला है। तो आप कौन भाई आउटपुट सुनाने वाले, किस तरीके आने वाले? तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। भाई ये कुछ इस तरीके का सिस्टम रहने वाला है। तो भाई बात करूं तो कितने का क्या सिस्टम होएगा अपनी गाड़ी में भाई? सिस्टम खाली सिस्टम? हाँ खाली सिस्टम। सिस्टम कितने का है? ये मेरे ख्याल से होगा भाई 1.5 के आसपास। ये डेढ़ के आसपास का भाई सिस्टम हो गया। और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एम्बेंट वगैरह बाहर से लगवाई है ना आपने, तो ये देख सकते हो। और मीटर भाई ये कुछ इस तरीके से आता है ना। हाँ, तो भाई ये वाला मीटर बढ़िया लगता है, जो टॉप मॉडल में आता है वो बढ़िया लगता है भाई। लगता है दोनों बढ़िया अच्छे है, पर ये इसके मीटर में ये गया जब सुई ऐसे जाते हैं ना एकदम से, हाँ वो मजा अलग है ना, मजा अलग है पर है ना। और डिजिटल वाला अलग है, डिजिटल का भी अपना मजा अलग है, पर इसका भी मजा अलग है। हाँ तो भाई ये देखो ये सारी चीज रहने वाली है। और कुछ भी छिटवारा का भाई है? बस ये सारा, और तो फिलहाल यही है भाई, एम्बिएंट और सिस्टम वगैरह भी अपडेट है इसमें बहुत सारे पर। अच्छा मतलब सिस्टम में बताएंगे रखिए बेस के। अच्छा हाँ ये बेस कंट्रोल। तो अपना मोनो कौन सा है इसका, कौन सी कंपनी का? मोनो है मोको का। मोको का तो भाई ये कुछ रहने वाला है सारा। तो भाई ये बताओ कि टोटल पूरी गाड़ी में भाई कितना लगा दिया होगा? टोटल भाई कम से कम या अराउंड तो 3.5 प्लस है, 3.5 लाख प्लस रहने वाला है ना। देखो हमने सारी चीज दिखा दी है ना भाई, तो अपना इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जाके भाई को फॉलो कर देना। भाई आपका किस नाम से रहने वाला है? ऑफिशियल राहुल शर्मा 80-55। तो भाई जाके भाई को फॉलो कर देना, हमें फॉलो कर देना। यहाँ तक वीडियो देखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।